बोलिए आंटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना बेगम है, अल शुएब कॉलोनी बंडला गुड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ़ है, मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज़ में कुछ ने बोली गेट पे खट्टा मार के हमला करे। हमला करने के बाद कौन है बल्कि बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू गुलाम बासी बाजू बासित बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फाइटा करके पूरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी। जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे को, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है, मैं नीचे गिर पड़ी, उठी नहीं। तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को चार लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गए तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होड़ सूझ गया, उसका भी दांत टूट गया बच्ची का। मेरे को बहुत ख़तरा है इन लोगों से और पूरे मिलके जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारों और हथियारों के साथ निकल के लेडीज़ दो लेडीज़ हैं, उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं इन्हों उनके भाई है, फिर दो घर के बाद रहते हैं इन्हों, उतनी दूर से भी नाजायज़ हमारे साथ ऐसा करे। मेरे घर में मर्दाना नहीं रहते, अपनी मेहनत को उन्होंने चले जाते और हम लड़कियाँ हैं मेरे, पूरे MS करे हुए लड़कियाँ हैं मेरे। अम्मा मारने की वजह क्या है? मारना कुछ, मैं लड़ाई नहीं करी, ना मेरे पास बेटे हैं ना कोई कुछ है, मैं खामोश घर में अपनी थी, कुछ नहीं, खाली हर हमेशा से ऐसी करते रहते उन लोग हमेशा, कोई दुश्मनी ना, मेरे को बेटे नहीं है, मेरे बेटे ना बाहर जाते, मेरे लड़कियां हैं पढ़ाई से आते, बस हम लोग घर में रहते बच्चियां, मैं अपनी जिंदगी में बिजी रहती हूँ, ना मैं बाहर भी जाती हूँ ना इन लोगों से नाम भी करते थे। इनको जब से खुसूमत थी, जब से जो उनको बर्दाश्त नहीं कर सके और हम नल का कनेक्शन लिए थे मीठे पानी का, जो हमारी जो है ना हैदराबाद शहर में वो ज़रूरी चीज़ होती है हर घर के लिए, उसके बावजूद भी जो है ना हम खामोश बैठ गए और रात को पी लेके आ जाते, पता नहीं कौन से घर के टैक्सी प्लेट गाड़ियां ले लेके आते, ज़मीनों के कुछ किस्से कहानियां होते, क्या होता बहरहाल अल्लाह ही जाने, चार चार पाँच पाँच पूरी टोली मर्दुए आ जाते, कुछ भी होते कि गंदे गंदे गालियां, तलवार और गनेट जो है ना हमारे घर के गेट पर डाल दिए लोग, पूरे जो है ना मैं ज़ख्मी हो गई, मेरा होठ फूट गया, समझ रहे हो ना आप। और मैं ये जो है ना एक दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है ये हमारे साथ और ये नाइंसाफ़ी है। मैं चीफ मिनिस्टर सर और होम मिनिस्टर सर से मैं जो है ना गुजारिश करती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। जी आप कंप्लेंट दिए? जी हम जो है ना चंद्रांगुट्टा PS से कंप्लेन करे हैं इसके बारे में और हम लोग जो है ना OBC हॉस्पिटल पे आए हैं, मेडिकल रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, हमने एक्सरे लिए हैं और इंजेक्शन वगैरह टैबलेट्स वगैरह हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, हमने वो भी लिया है। जी आज लड़ाई होने का मतलब क्या है? कोई कुछ मकसद नहीं, उन लोगों के दिल में क्या है बस वो अल्लाह मालूम ना, लड़ाई का कुछ नहीं, गली में नहीं रहे ना उन्होंने क्या बोले, ये अम्मा बहन के गालियां दे लेते हुए। बासित खान है, उस्मान खान है इनका नाम, नादिर खान है, समझ रहे ना, और इन अपने होशों में नहीं थे उस वक्त और जब इनके पीने के बाद ये वारदात हुआ है। इनका भतीजा जो है नादिर खान जो दुबई से आया है, उसकी कल शादी भी थी सुने ना, उसकी वजह से वो शादी थी, उसके तैयारियां चल रहे, वो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग जो है ना बार बार करने से जो है ना औरत बच्चियों को देख के लोग क्या है अपनी मर्दानगी का जो है ना ये सबूत बताना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते तो हम भी कुछ भी ऐसे वैसे बोल सकते थे मगर हम नहीं बोले और जो है ना हमें मार के गिरा देने के बाद हमारे पास जो है ना गेट पे पत्थरबाजी हो गई जो है ना घर के अंदर से। औरतें इनकी जो दो बहनें हैं, नादिर खान की वालदा है और उनकी खाला है, दोनों मिलके जो है ना रॉड जो रहता है ना उस पे मेरी पैर पे जख्म हुआ है जो कि गुप्त मार है और मेरी आंख पे जो नकल डस्टर जो पहन के मारते हैं उस तरीके से लोगों ने हमारे फेस पे जो है ना हिट किया है। आपका घर किधर है? अल शुएब कॉलोनी बंडलागुड़ा। पहले भी कुछ हुआ है क्या? ऐसे जब हम घर बनाए थे, जब से इनको खुसूमत थी कि हम वो ज़मीन नहीं लेना, हम वहाँ पे घर नहीं बनाना क्योंकि वो हमारा ओन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके ओके। उसके अलावा भी जो है म्युनिसिपैलिटी से लीगल प्रोसेस से हमने नल का कनेक्शन लिया था, उनसे भी इनको खुसूमत थी क्योंकि इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह औरत बच्चियाँ रह के भी यहाँ तक ऐसे लोग लेते हैं क्या करते हैं या नोटरी पे होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं, हम लीगल प्रोसेस फॉलो करके हम नल का कनेक्शन लिए और इनके पास हमारे पास औरतें हैं, हम जो है ना नॉर्मल जो है ना एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग जॉब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे घराने से, हमारे साथ ऐसा हमारी वालदा जो है सैयद घराने से, बार बार ये होते जा रहा है जुल्म और आके जो है ना बार बार जो है ना धमकियाँ, घर पे खटका मारना, गाली गलौज, गंदी गालियाँ, पत्थर उठा के फेंकना, औरतों को जो है ना प्राइवेट पार्ट्स पे इन्होंने मार के ढकल दिया। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए। मैं लड़कियाँ वाली हूँ, अच्छा। मैं 50 साल की हूँ, ये बुढ़ी औरत को जो ये फाइटा और जरा मेरा दांतों का पूरा हिस्सा चले गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, अपना चेहरा मैंने बताने से हिजाब कर रही हूँ, मेरे मुँह से ब्लीडिंग चालू हो गई, मेरे को मेरी जान को धोखा है लोगों सर से,
कि इनके इनके पास लीगल एक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, क्योंकि हमारी जान को खतरा है, खतरा आज इन्होंने घर पे मारे, कल घर के अंदर घुस के वो जो तलवार जंबिया उनके हाथ में थी उनसे भी हमें मार, हम डर के अंदर दरवाजा लगा दिए, हमें जो है ना अंदर पैक हो गए हम लोग, उतना जुल्म, और तलवार लेके थी स्वॉर्ड, वी कॉल इट अ स्वॉर्ड, उससे बच्चे को होता है उसी से, बच्चे को लेके मैं अंदर चले गए डर के, दरवाजा लगा दिया हमारे पास, थोड़ी देर में अगर मैं नहीं भागती बच्चे की जान भी जाती थी, मेरी भी जान डेड थी, ऑलमोस्ट मेरा इंतकाल हो चुका था आज। अब ये मीडिया छोटी बात नहीं है भाई साहब, मैं आपको आपसे भी गुजारिश करती हूँ, प्लीज फाइट फॉर माय राइट्स, कि मैं लड़कियां वाली हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। हमारे असदुद्दीन अभी इसी हिसाब से भी मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे को इसका जो है ना जस्टिस चाहिए। अकबरुद्दीन अभी सही साहब मेरे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है ना MLA है, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो ना मदद, क्योंकि हमारे जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतनी इतनी सोशल सर्विस चैरिटी के लिए मशहूर है, मैं उनसे जो है ना अपना जो है ना असद भाई और अकबर साहब कि हमारे पास हमारी मुसलमान की कौम में जो ये हो रहा है इसको जल्द से जल्द निकाले, और हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये अब हमें पत्थर बरसाए कल के दिन घर के अंदर घुस के हमारा मर्डर भी कर सकते हैं, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जगह खाते पीते जो भी है, हम लोग प्राइवेट, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, वी आर नॉट रिच किड्स, बस ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, एंड आई वांट अ लीगल एक्शन ऑन दिस, इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर, हमारी जान को खतरा है बस, ये लोगों से हमारी जान को खतरा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बासित खान, अल शोएब कॉलोनी इस्माइल नगर से, यहाँ पे हमारे दो घर है, एक हमारा है मेरा, और एक हमारे भौनी का घर है, भौनी के घर के बाजू एक लेडीज़ रहते जो गुज़िश्ता 4 साल से पूरी कॉलोनी को परेशान करके रखे हुए हैं, ये हालत है इनकी, इनके घर के सामने मेरे पास वीडियो एविडेंस के साथ बात करता हूँ मैं, इनके ऐसे उड़ती बात मेरे को आते नहीं, इनके घर के पास ऑलरेडी चबूतरे वगैरह है, उनकी पार्किंग में फतरे घनेटा जमा देते हैं उन्होंने गाड़ी के अतराफ से, और कोई इनके पास गाड़ी पार्किंग नहीं रखना, जो भी पार्किंग गाड़ी रखा आदमियों को बहुत बुरे बुरे गालियां देने वाली औरत ये है। पूरी शोएब कॉलोनी में अगर कोई लोकल लंबाड़ा कॉलोनी में रहने के काबिल है तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोग हर टाइम फतरे लगाना अपने घर कन की सरहद, ऑलरेडी चबूतरे आ गए 5 फीट चले गई जगह, और 5 फीट इन्हों जो है चबूतरे पे लगा के देते हैं। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूँगा कि जाके उनके घर का एक बार वीडियो ले, यहाँ पे सब पूरे जितनी भी कॉलोनी है 6-7 घर हैं यहाँ पे, आप उन लोगों से जाके बाइट लो या उनकी इंक्वायरी करो कि उनका क्या हाल है यहाँ पे बस्ती में। हम तो कॉपरेट करके चलते हैं हर किसी से कॉपरेट करके चलता हूँ मैं। अभी आज का जो मामला है, इन्हों कई लोगों से इसी तरीके की गुफ्तगू करे हुए है, और कई लोगों को जो है सताए हुए है लोग, और हर बार आदमियों को जो है बहुत गलत अल्फाज बोलते हैं ना मर्दों के, ऐसा ये वो जो दिल में आया वो बोलते हैं ना, क्योंकि इनके पास कोई जेंट्स नहीं है, और कोई जेंट्स नहीं रहने की वजह से इनके ऊपर कभी कोई हम जो है इनको कोई जान दो भाई उनका मामला है उन्होंने छोड़ दी, सिर्फ उन्होंने 10 फीट की रोड छोड़े हुए उसमें से हमारे कारां जाते आते, कोई उनके नाम पर नहीं जाता, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है और फतरे ला के डाले घनेटा डाले, जिसकी वजह से मेरे भांजे की गाड़ी इनोवा का टायर फट गया घनेट से। मैं उनको कुछ नहीं बोला, बाहर निकल के देख लिया, गाड़ी देखा टायर फट गया, ठीक है रे भाई अपने को 3-4 हज़ार का खर्चा है दे लेंगे जो भी है देख लेंगे, लेकिन ये जो धार रहे ना इन लोग ये गलत है फतरे डालना, हाँ इन लोगों की म्यूनसिपल में कंप्लेन करके इन लोगों के फतरे हटाने नहीं लगाया तो बोलना। वो लेडीज़ बाहर निकलती निकल के उन्होंने बोलते मेरे को, अरे तू अगर तेरे को करना ही है ना तो पूरे बिल्डिंगा खरीद पहले उसके बाद हमारे घर कने आके बात कर। मैं बोला तो आपसे बात नहीं हो रही मेरी, आप अंदर जाओ, तुम्हारे को कुछ नहीं बोला मैं, तुम अंदर जाओ, ये बात हमारी है, हमारा नुकसान हुआ हम भर ले रहे, तुम्हारे को कुछ बोले, तुम 4 साल से फतरे लगाए हुए, 4 साल से मुसलसल सता रहे हैं उन लोग, उसके बावजूद भी जो है उनको कुछ नहीं बोले। आज उन लोग जो बात बोल रहे हैं मेरे को गाली गलौज देने की वजह से, उन्होंने बहुत सारे गालियाँ दिए मेरे को ये लॉ मालूम है कि औरतों को मारे तो केस फाइल होता, औरतें ज़रा ज़्यादा बोलते, औरतें 10 लगा के बोलते, इसकी वजह से जो है मैं उन लोगों को बुला के चले जाओ अंदर, आपसे बात नहीं हो रही। गाली गलौज हुई, गाली गलौज होने के बावजूद गाली दिए उन्होंने,
दुनिया के बड़े बड़े गालियाँ दिए मेरे को, जिससे हमारे घर के लोग बर्दाश्त नहीं करे। औरतों में लड़ाई हुई, औरतों मार लिए। उसके बाद इन लोग नाम लिखाते पीएस में कि मैं मारा उन लोगों को। और इनके लोग इन्हों जब बोल रहे हैं कि इनके पास जेंट्स नहीं है कोई भी, उसके बावजूद भी इनके जो है 4 से 5 लोग मेरे घर पे आके हमला करे। मेरे पास वीडियो एविडेंस है, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। इनका एक दामाद है, इन्हों बोल रहे हैं कि एक दामाद है और एक उसका भाई है और एक उसका दोस्त है और भी कोई अदर्स है, जो 5 लोग आए आके मेरे घर पे जो है हमला करे। हाँ, वो एविडेंस है मेरे पास, जिस पे हमारे वालदा जो है उन लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ आप लोग, यहाँ से जाओ आप लोग, अपन क्या है बात करेंगे, पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन देंगे, जो भी है वो बात कर रहे हैं उन लोग। और उन लोग जो है मेरे घर पर हमला करे। फिर ये लेडीज़ बोलती है हमारे पास कोई जेंट्स नहीं है। फिर इतने जेंट्स कहाँ से आ रहे आपके घर पर? देखिए, मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहता हूँ, 4 साल से जो है इन लोगों गुज़िश्ता बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का जो भी है मामलेदारी, आप लोग मीडिया पर्सन से, पुलिस से, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोग अल शोएब कॉलोनी को आए, आके हमारा नेचर कैसा है, हम किस तरीके से यहाँ पे जो है रहते और उन लोगों का नेचर कैसा है, उन लोग किस तरीके से रहते। एक घर नहीं है मेरा, एक घर उनका नहीं है, 20-30 घर हैं। सबसे इंक्वायरी करो आप, आपको बात सामने आती, उसके बाद ही केस, किसके ऊपर केस करना है उनके ऊपर बराबर केस कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने ऊपर केस लेने बराबर, मैं अपने ऊपर जो है केस लेने के वास्ते राज़ी हूँ। कंप्लेंट करा मैं पीएस में, कंप्लेंट करा। पुलिस वाले भी बोले मेरे को कि इंक्वायरी करने के बाद ही हम जो है केस करेंगे जी सी ऊपर। चंदनकुटा पीएस में कंप्लेंट कराऊँ, चंदनकुटा पीएस में कंप्लेंट दिया। और इनो बोल रहे हैं इनको मारना लगे या कुछ भी है पीएस में, जिस तरीके से बताए उन्होंने, ये हमारे घर के रिपोर्ट है, जो हमारे घर पे हमला करे बच्चे आके, इनके 4-5 बच्चे और इनो लेडीज़ जो दोनों, 4 तो नहीं देखा मैं, ये दोनों ही थे कोने उन लोग भी, हमारे को इनसे वास्ता ही नहीं है। तो ये देखिए आप, ये हमारी रिपोर्ट्स है, अवेसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराए। हमारी बहन को, मेरी बहन को एडमिट करने का बोले डॉक्टर्स के, इनको जो है एडवाइस दिए गए इनको एडमिट करना पड़ता 2 दिन के लिए, हमारे घर में शादी है, कल सांचक है, हम किस तरीके से एडमिट करेंगे। और बाज़ाफ्ता वो लोग लिख के दिए डॉक्टर्स के, भाई आप एडमिट नहीं कर रहे तो शादी के पर्पस की वजह से आप जो है एडमिट नहीं हो रही, ये मेरे को मेंशन करके दिए हुए हैं डॉक्टर्स के, आपकी वजह से आप एडमिट नहीं हो रहे, अदरवाइज़ आपको एडमिट करना ज़रूरी है। हाँ, काफ़ी सारे मारा लगे हम लोगों को, उसके बावजूद जो है हमला करने के बाद भी इन्हों जो है एक क्या बोलेंगे उसको, एक लेडीज़ है बोल के इन्हों जो है मैं कंप्लेन कराई, तो जिस तरीके से होती वो कर ले सकती हूँ, समझ रहे इन्हों, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, मैं भी जो है कानून के हिसाब से चलूँगा इंशाल्लाह, मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को लगाना भाई लगा, वो माइनर है जो भी है, पूरा हम रिपोर्ट्स में दे दिए, अवेसी हॉस्पिटल में जितने जेन्युइन रिपोर्ट्स है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए, अब उसके हिसाब से अपन देखेंगे प्रोसीजर किस तरीके से होता। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिक जैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।